बलौदा बाजार में पदस्थ वही महिला पर्यवेक्षक मेवा चोपड़ा पर पैसे हड़पने का आरोप लगा है। विभाग में कर्मचारियों से नौकरी लगाने और पदोन्नति के नाम पर पैसे लिए गए थे। पीड़ितों ने कोतवाली पहुंचकर पैसे वापस दिलाने और महिला पर्यवेक्षक और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मैं नकदी की हूँ और सब भी की हूँ, बात भी की हूँ, तो ठीक है, लग रहा है और ज्यादा है तो मकान के पेड़ जो है सब बोला गया था मेरा तो मेरा के द्वारा सुपरवाइजर तक के लिए मेरा छोटा मैडम को तीन दिन लाती हूँ सर, इतने दिनों से वापस नहीं कर रही है, ना नौकरी लगा ना पैसा वापस दिया, पैसा वापस चाहिए करके और इसीलिए यहाँ तक आए हैं। तो 4.5 लाख रुपये पहले लिए थे, उसके बाद वो दूसरे जगह करके 1 लाख रुपये और मेरे से लिए हैं कि ट्रांसफर करेंगे करके, तो 5.5 लाख रुपये उससे लिए हैं। और संपूर्ण पोषक आहार का एक टेंडर जारी कर होता है महिला एवं बाल विकास से करके, तो उस टेंडर को आपको मिल जाएगा करके जांजगीर जिला और कोरबा जिला का, वो दोनों का टेंडर है करके 8.5 लाख रुपये उसमें का लिए मैंने, टोटल 14 लाख रुपये लिए मैंने। महिला बाल विकास में पदस्थ मेवा चोपड़ा द्वारा 2 वर्ष पहले सुपरवाइजर भर्ती के लिए हमारे क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पैसा उगाही कर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे ठगी किया गया है। नौकरी लगाने के नाम पर पूर्व में भी कुछ महिलाएं आई थी, उन्होंने आवेदन दिया था और इसी कड़ी में और भी कुछ महिलाएं आई हैं जिनसे उनके ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दी जा रही है, साथ ही उन्होंने कब पैसा दिया है और किस माध्यम से दिया, ये सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।